Hello everyone, this is Mansi from evenhati.in. अब हम 10th class की literature reader का first chapter start कर रहे हैं. The name of the chapter is Two Gentlemen in Verona. So Verona is the name of a city and वहाँ पे there are two gentlemen. और वो दो gentlemen कौन हैं? We'll see that. It is written by A.J. Cronin. Okay? So, story start hoti hai. I'm just giving you a description about the story. Summary keh sakte ho, aap description keh sakte ho. So, let's begin. So, the story begins. Jo iske writer hai, narrator hai, wo apne friend ke saath Verona ja rahe hai. But, yahan pe is story mein, ye jo do jane writer aur jo uska friend hai, ye do gentlemen nahi hai. Inhe ye do gentlemen milenge. So, अब ये लोग वेरोना जा रहे हैं एंड रास्ते में ही सबसे पहले अभी वो पहुंचे भी नहीं थे दे वर एट द एज ऑफ द वेरोना एंड वहां पे उन्हें दो बच्चे मिलते हैं दो छोटे छोटे बच्चे थे जो स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे एंड जब वो रुक के देखने लगी तो जो ड्राइवर उनके साथ था उन्होंने बोला आप इनसे स्ट्रॉबेरी मत लो वेरोना में आपको अच्छी अच्छी स्ट्रॉबेरीज अच्छी अच्छी जगह से मिल जाएंगी बेसिकली वो इसकी अपीयरेंस की वजह से कह रहा था बिकॉज ये जो बच्चे थे इन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे एक ने खादी की पेंट पहनी हुई थी दूसरे ने ट्यूनिक पहना हुआ था सो इस तरह के थोड़े पुराने से फटे से कपड़े पहने हुए थे इस वजह से ड्राइवर कह रहा था कि आप इनसे मत लो लेकिन जो यहाँ पे जो नरेटर है उसको लगा कि उनकी आईज में एक सीरियसनेस है एक पोलाइटनेस है उनमें और वो बाहर जाके जो उनका फ्रेंड था वो उससे बातें करता है तो उन्हें पता चलता है कि ये दोनों जो वहां बॉयज थे जो स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे देवर ब्रदर्स और इनका नेम था निकोला एंड जेकोपो सो इनका नेम है निकोला एंड जेकोपो निकोला बड़ा है उसकी एज अराउंड 13 इयर्स है एंड जेकोपो उससे छोटा है विच इज नियर बाय 12 ठीक है तो वो अब क्या करते हैं उनको बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं तो वो उनसे एक सबसे बड़ी जो बकेट थी जो बास्केट थी फ्रूट्स की स्ट्रॉबेरीज की वो उससे परचेज कर लेते हैं एंड देन अपना सिटी में चले जाते हैं नेक्स्ट डे जब जो नरेटर है वो अपने होटल से बाहर आता है तो उसे दूर बैठे वहां पे जो फाउंटेन था उसके पास उन्हें दो बच्चे नजर आते हैं जो शू पॉलिश कर रहे हैं तो वो नीचे जाता है तो वो देखता है ये दोनों बच्चे यही होते हैं तो इनसे जाके बात करते हैं एक दूसरे को पहचान लेते हैं तो नरेटर बोलते हैं तुम वही हो ना जो स्ट्रॉबेरीज कल बेच रहे थे मुझे लगा वही तुम्हारा काम है तो वो दोनों बच्चे उन्हें बताते हैं नहीं नहीं हम लोग बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं देन वो बताते हैं वो क्या क्या काम करते हैं उसमें से एक काम वो बताते हैं कि वो गाइड है मतलब जैसे टूरिस्ट गाइड होते हैं ना जो आपको सिटी पूरा घुमाते हैं सो इसी तरह से वो कह रहे हैं जो लोग आते हैं यहाँ पे हम उनको पूरी सिटी घुमाते अच्छी अच्छी जगह लेके जाते हैं और यहाँ का जो फेमस जूलियट का टॉम है वहां भी हम उनको घुमाने लेके जाते हैं अब जो नरेटर होता है वो थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट शो करता है और बोलता है कि तुम हमें भी वहां लेके चलो हमें भी पूरा सिटी घुमाओ अच्छी अच्छी जगहें दिखाओ तो वो दोनों एग्री करते हैं कि ठीक है हम आपको लेके चलेंगे देन नरेटर और उनका फ्रेंड इन दोनों बच्चों के साथ पूरी सिटी घूमने जाता है तो नरेटर बताता है जब हम उनके साथ घूम रहे थे तो हम देखते हैं जो छोटा वाला जो बॉय है वो काफी लिवली है लाइफ को एंजॉय कर रहा है जो बड़ा वाला है वो काफी बैलेंस्ड नेचर का है काफी काम टाइप का है एंड दोनों के ही चेहरों पे एक डिटर्मिनेशन है मतलब जैसे हार्ड वर्किंग से लगते हैं बहुत एक सीरियसनेस है जो कि उनकी एज से बहुत ज्यादा है सो उनको थोड़ा सा ऐसे ही जज करते हैं उनके साथ पूरा दिन स्पेंड करते हैं एंड देन वो बताते हैं कि उसके बाद हम लोग बहुत आपस में एक दो बार बहुत बार मिले भी और छोटे छोटे जो हमारे काम थे जैसे कि हमें अगर अमेरिकन सिगरेट चाहिए या हमें ओपेरा की टिकट्स चाहिए या फिर अगर कोई रेस्टोरेंट का सजेशन भी चाहिए तो हम इन दोनों पे रिलाय कर सकते थे इन्हीं से ही सारी वो सजेशंस और हेल्प्स लेते थे देन वो एक दिन बताते हैं कि वो ऐसे ही कहीं जा रहे थे एक जगह पे काफी अंधेरे वाली जगह थी वहां पे वो देखते हैं कि दोनों भाई बहुत थके हुए बैठे होते हैं जो छोटा वाला भाई होता है उसने बड़े वाला भाई मतलब कि निकोला के शोल्डर पे अपना हेड रखा होता है और वो रिलैक्स कर रहा होता है वो दोनों बहुत ही थके हुए लगते हैं फिर वो नोटिस करता है कि निकोला के हाथ में एक न्यूज़पेपर का बंडल है विच आर अनसोल्ड न्यूज़पेपर शायद वो उनको बेचने के लिए वहां पे वेट कर रहे तो वो जाके पूछता है कि तुम लोग इतने थके हुए लग रहे हो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो
तब निकोला उन्हें बताता है कि यहाँ से पदुआ जाने वाली जो लास्ट बस है हम उसका वेट कर रहे हैं, वहां पे मुझे ये न्यूज़पेपर्स सेल करने हैं। तो आगे से नरेगर बोलता है कि तुम लोग मुझे बहुत थके हुए नजर आते हो। तो निकोला बोलता है हम कुछ भी कंप्लेन नहीं कर रहे, मीन्स वो वेरी हार्ड वर्किंग, वो अलग अलग तरह के बहुत सारे काम कर रहे थे और उनको इससे प्रॉब्लम नहीं थी, वो सारी काम खुशी खुशी कर रहे थे, कुछ भी फालतू में कंप्लेंट्स वगैरह नहीं कर रहे थे। तो नरेटर वहां से चला जाता है, वो बस आती है और वो लोग उसमें चले जाते हैं। सो वो नेक्स्ट डे अब जहाँ पे जब वो दोनों भाई सुबह शू पॉलिश करते थे वहां पे अपने शू पॉलिश करवाने जाता है और उनसे बात करता है कि तुम इतने सारे काम करते हो, तुम तो अच्छा खासा कमा लेते होगे, फिर तुम लोग ये ना तो अच्छा खाते हो ना ऐसे कोई अच्छे कपड़े पहनते हो, मैंने हमेशा तुम्हें बस एक चो ब्रेड वगैरह खाते हुए देखा है, ऐसा क्यों है, जब तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम इतने पैसे का क्या करोगे। तो आगे से निकोला इधर उधर देखने लग जाता है पर कोई जवाब नहीं देता। तो नरेटर अपने आप से सजेस्ट करते है कहीं तुम यूएसए तो नहीं जाना चाहते, उसके लिए सेविंग्स कर रहे हो क्या। तो निकोला बोलता है कि हाँ वहां तो हम जाना चाहते हैं बट अभी हमारे और अलग प्लान्स है। तो उनसे वो पूछता है अलग प्लान्स क्या है तुम्हारे, तो बस वो बोलते नहीं बस ऐसे ही कुछ अलग प्लान्स, मतलब कि वो उससे शेयर नहीं करना चाहता था या बताना नहीं चाहता था। तो वो आगे से नरेटर पे ज्यादा फोर्स नहीं करता और उनसे बताता है कि मैं नेक्स्ट मंडे को मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग वापस जा रहे हैं, कोई ऐसा फेवर है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं या तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। तो निकोला बोलते नहीं नहीं मना कर रहा होता है, उतने में ही जेकोबो बोलता है हाँ हम लोग हर संडे को यहाँ पे ही पास में ही एक गांव है पोलेटा के नाम से, तो आप हमें वहां पे ड्रॉप कर देना, वैसे तो हम साइकिल्स हायर करके वहां जाते हैं हर संडे बट आप अगर कह ही रहे हो तो आप ही हमें ड्रॉप कर देना। अब ये उसने तो जेकोबो ने तो बोल दिया बट निकोला को किसी की भी हेल्प लेना अच्छा नहीं लगता, तो वो जेकोबो को गुस्से से देखता है और बोलता है नहीं नहीं हम लोग चले जाएंगे, हमें आपको डिस्टर्ब या परेशान नहीं करना। तो नरेटर बोलता है नहीं नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है पर संडे को मैंने अपने ड्राइवर को ऑफ पे मतलब जाने को दे रखा है तो मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा। तो निकोला काफी मना करता है कि नहीं नहीं हम लोग चले जाएंगे आप परेशान मत हो, बट देन नरेटर इंसिस्ट करता है कि मैं ड्रॉप कर दूंगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एग्री करते हैं। देन नेक्स्ट डे आफ्टरनून में वो दोनों को लेके जाता है एंड जेकोबा उन्हें रास्ता बताना शुरू करता है किस रास्ते से उनका गांव आएगा। अब देखते हैं वो लोग कहाँ पहुंचते हैं और आगे स्टोरी में क्या होता है इन दी नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ कमिंग टू दी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। सो अभी हमने देखा कि वो गाड़ी में उसको जो जहां जिस जगह वो जाने को बोल रहे थे वहां पे वो नरेटर उन्हें लेके जाता है, जेकोबो उन्हें पूरा रास्ता बताता है एंड जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो वहां पे रेड रूफ वाले विला होता है, वहां पे वो उन्हें गाड़ी रोकने को बोलते हैं एंड देन निकोलो बाहर आके उन्हें बोलता है कि आप चाहो तो कहीं जा सकते हो, यहाँ पास में कैफे भी है, वहां बैठ के कुछ खा पी सकते हो, हम लोग एक घंटे में वापस आ जाएंगे। और वो फिर इस यहाँ पे अंदर चले जाते हैं, यहाँ जो विला बना होता है उसके अंदर चले जाते। तो नरेटर कुछ देर उनका वेट करता है एंड देन सोचता है कि मैं भी देख के आता हूँ यहाँ पे इस जगह पे क्या करने आए हैं। तो नरेटर बेल रिंग करता है तो एक लेडी आती है जो कि नर्स जैसी उसने ड्रेस पहनी होती है, तो वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पे दो बच्चों को लेके आया था। तो नर्स बड़ा स्माइल करके बोलती है अच्छा आप निकोला और जेकोबो की बात कर रहे हैं, तो वो बोलते है हाँ हाँ। तो जो नर्स होती है वो नरेटर को अंदर लेके जाती है एंड जब वो विला में एंट्री करके आगे जाते हैं वेंटिलेटर से निकलते हुए देखते हैं तो वहां पे ना एक हॉस्पिटल बना होता है अंदर, और देन जो नर्स है वो उन्हें लेके जाती है एक रूम के बाहर जहाँ पे ग्लास लगा होता है, वहां पे एक बेड पे एक लड़की लेटी हुई होती है और दोनों भाई वहां पे खड़े होते हैं। तो नर्स से उसे पता चलता है कि ये उनकी सिस्टर है, सो मींस यहाँ पे इसकी सिस्टर से वो मिलने आए हैं। तो वो नर्स पूछती है नरेटर से आप अंदर नहीं जाओगे, तो नरेटर बोलते नहीं नहीं मुझे अंदर नहीं जाना, आपको पता है ये यहाँ पे कैसे आए और इनकी क्या स्टोरी है। तो नर्स बहुत एक्साइटमेंट के साथ बोलती है हाँ मुझे पता है और पूरी उनकी स्टोरी बताना स्टार्ट करती है। तो अभी उनका पहले का बता रही है, तो वो बताती है कि ये तीनों चार जने थे एक्चुअल में और वो चारों बहुत
खुश थे ये दोनों भाई, उनकी सिस्टर और उनके फादर। जो उनके फादर थे वो विडोवर थे। विडोवर होता है जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी हो। सो वो बताते हैं ही वाज अ सिंगर एंड ये लोग चारों बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे थे। बट देन एक दिन वॉर में उनके फादर को किसी ने जान से मार दिया एंड देन ये तीनों बच्चे अकेले रह गए। और देन उसी वॉर में आगे उनके घर में भी किसी ने बॉम्ब फेंक दिया, तो ये तीनों बच्चे सड़क पर आ गए। अब इनके पास ना तो रहने के लिए जगह थी, ना इनके पास कुछ खाने को पैसे थे और ना ही कोई शेल्टर था। ठंड में इन लोगों ने बहुत मुश्किल से सरवाइव किया। देन इन्होंने एक टेम्पररी, तीनों बच्चों ने मिलकर टेम्पररी घर बना लिया जहां पे वो रहते थे। देन वहां पे जर्मन्स ने 3 साल तक रूल किया और ये जो दोनों भाई थे इनको जर्मन से नफरत हो गई थी। तो एक टाइम बाद जर्मन के अगेंस्ट उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया लोगों ने, जिसमें इन दोनों भाइयों ने पार्टिसिपेट किया। देन उसके साथ गए एंड वहां पे सब कुछ जो भी हुआ उसमें वो किया। एंड देन जब वो वहां से वापस आए, फाइनली जब यहाँ पे पीस हो गया, वो अपनी बहन के पास वापस आए तो उनको पता चला कि उनकी सिस्टर बीमार है और बीमार भी है और उसको ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन है। और वो फटाफट दोनों बच्चे उनको यहाँ पे लेकर आ गए। उनकी जो सिस्टर थी वो सिंगिंग में ट्रेनिंग ले रही थी, तो वो यहाँ पे लाके उन्होंने बोलते आप इसको एडमिट कर लो और इनको ठीक कर दो। देन हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि हम लोग फ्री में तो इलाज नहीं कर सकते थे, इसलिए हम इनसे पैसे भी लेते हैं। पता नहीं ये दोनों बच्चे पैसे कैसे कमाते हैं, विरोना जैसी सिटी में बहुत मुश्किल है पैसे कमाना, बट स्टिल ये हर बार पेमेंट ऑन टाइम कर देते हैं। नरेटर उनकी सारी बात सुनता है और उसे रियलाइज होता है कि बच्चे जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं दैट वाज बिकॉज ऑफ अ सिस्टर। तो वो लोग अपनी सिस्टर के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे थे। देन नरेटर वहां से बाहर आ जाता है और गाड़ी में बैठ के उनका वेट करने लगता है। तो थोड़ी देर बाद जब वो दोनों आ जाते हैं तो वो उन्हें वापस सिटी में लेके जाता है एंड पूरे रास्ते वो कोई बात नहीं करता, ना नरेटर कोई बात करते ना दोनों बच्चे कोई बात बोलते हैं। तो नरेटर को पता होता है अंदर से कि ये लोग अपना सीक्रेट ही रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि लोगों को पता लगे और वो उनके लिए सिंपैथी हो उनके पास या कुछ भी ऐसा। सो दे वर ऑल्सो वेरी कि वो ऐसे नहीं थे कि हम बच्चे हैं लोग हम पे तरस खाएं, ऐसा नहीं वो चाहते थे, इसलिए वो इस बात को सीक्रेट रखना चाहते थे। तो नरेटर ने भी उनके सीक्रेट को सीक्रेट ही रखा और कोई बात नहीं की। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। अब इस स्टोरी का आपको सारा पता चल गया, सीन्स क्या क्या हुए, क्या क्या बातें हुई। अब इसके बाद अगर आपको चैप्टर में पता है क्या क्या हुआ है तो आप इसके कोई भी क्वेश्चन आए वो अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट्स बिलो। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।